हमारे को पानी की समस्या होती है। फिर दूसरी बात, हमारी लाइट में बिल्कुल लाइन में लाइट नहीं मिलती है, बिल्कुल भी डिम आती है, पकड़ी नहीं मिलती है, नया लाता है तो फूक जाते है कोई साहब जाए। हम मजदूर आदमी रोज रोज कहाँ से लेके आए। दूसरा परेशानी हमारे को रोड की है, वो रोड कादा बिल्कुल इतना कादा में जा रहे हैं, तो हमारा समस्या का हल क्यों नहीं करते हो आप? 5 दिन हो गया हमारे को शिकायत करता बिजली विभाग में, जैन ने ऐसे किया कि हम आपको घर ही नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे? रेलिंग में जा रहे हैं हम, नहीं सुनाई हो रही। हमें जयपुर तक फोन कर दिया, जयपुर के भी सॉरी बोलते हो लेकिन लाइट नहीं भेजते हो हमारे। पानी का तो सर इशू नहीं था, मौके पे मैं आया था, तहसीलदार जी का फोन आया था, खेरदा में जाम लगाया है, तो महिलाओं से जानकारी चाहिए तो वो ये कह रहे थे विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, पिछले 7-8 दिन से पूरे वोल्टेज आ रहे हैं, पानी की कोई समस्या नहीं है। विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर आए थे और समझाइश करके जाम को खुलवा दिया है। महिलाएं यहाँ थोड़ा सा रोड पे आके प्रदर्शन कर रही थी, इनकी मांग थी कि हमारी बिजली डिम आती कॉलोनी में तो वोल्टेज बढ़ाया जाए। उसके बाद में IN साहब भी आ गए, उन्होंने आश्वासन दे दिया कि जल्दी हम मतलब वोल्टेज काम चल रहा है और इनकी समस्या दूर होगी। आपकी कुछ समस्या है इनको अभी ठीक करवा देंगे। कंप्लेन इन्होंने दर्ज नहीं कराई,